अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हमारे पुराने अभ्यर्थी, जिनका 2 माह पूर्व ऑपरेशन किया गया था ट्रांसकैनल मेथड द्वारा, दूरबीन पद्धति द्वारा। आज हमारे साथ में है फॉलोअप में। सबसे पहले हमारे साथ में है रजत कुमार जी, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। आप अपने परिवार के साथ में यहाँ पहुँचे हैं और अब हम देखना चाहेंगे कि 2 महीने बाद इनका कान का पर्दा कैसा है। प्लीज शो द मॉनिटर, या जस्ट हम देखना चाहेंगे, ये कान का पिछला हिस्सा है, पास से दिखाइए। हमने ये ऑपरेशन ट्रांसकैनल मेथड द्वारा किया गया था, पूर्ण आंतरिक पद्धति द्वारा, इसलिए कान का पिछला हिस्सा नीट एंड क्लीन है। यहाँ किसी प्रकार का कोई चिन्ह, निशान, टांका इत्यादि नहीं है। यू कैन सी इट, ओके, प्लीज शो द मॉनिटर। यही कहा है ना आपका है? नहीं, इनका तो यूनिलेटरल है। ठीक है, एक बार अच्छे से करो। ये हम देख सकते हैं नया पर्दा, ठीक है, टीएम इंटैक्ट, ग्राफ टेकन अप। फैंटास्टिक, देख पा रहे हैं आप? ये जो चमक है, ये थोड़ा एलर्जीज की वजह से है आपको अपना, हाँ नहीं, जो चमक जो हल्का सा ग्लोसी है, वो वॉश भी किया अपन ने, पूरा क्लीन किया है। ठीक है, आगे के लिए मेडिसिन है, वो आपको बराबर लेनी है। आशीष जी आप आ जाइए। आशीष जी को आप मध्य प्रदेश से हैं, आपका नरसिंहपुरा मध्य प्रदेश से आप इंजीनियर हैं। आपके जो लगातार एलर्जीज की वजह से कान में बहाव था, और पूर्व में एक 2014 में ऑपरेशन हुआ था जी, और उसके बाद में फिर भी एलर्जीज की वजह से वो पर्दा सक्सेसफुल नहीं रहा। कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। हमें अपने एलर्जीज को नियंत्रण करना जरूरी है खांसी जुकाम का। और अब हम देखना चाहेंगे ऑपरेशन के 2 महीने बाद में, ठीक है, ये पहले आपका पूर्व में बाह्य विधि द्वारा किया गया था, इसलिए इस पर निशान है। और अब हम आंतरिक रूप से देखना चाहेंगे, ठीक है, हल्का पिंक है क्योंकि हल्का ओटोमाइकोसिस फंगस इन्फेक्शन था जिसे निकाल दिया गया, तो हल्का पीछे ये पिंक है। अब इसके लिए मेडिसिन आपको देंगे, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ टेकन अप, टीएम इंटैक्ट, फैंटास्टिक। दूसरा कान भी दिखाइए, ये हम देखते हैं कान के पिछले सिर पे किसी प्रकार का कोई निशान, चीरा कट नहीं है। और अब हम आंतरिक रूप से देखना चाहेंगे, हम देखते हैं कान का पर्दा सुरक्षित है, नियोटिम्पेनम इज इंटैक्ट, ग्राफ टेकन अप, फैंटास्टिक। आशीष जी, आपका ऑपरेशन के बाद का 2 महीने का समय कैसा रहा? क्या आप अपने काम पर, आप इंजीनियर है, फील्ड में वर्क करते हैं, तो आप उस पर रेगुलरली जा पाए? यस सर, सर मैं ना 10 दिन के बाद मतलब ऑफिस चला गया था। वेरी गुड, उसके बाद मतलब मेरा सुनने में तो इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। उसके साथ मेरी मतलब पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और जो सोशल लाइफ है उसमें काफ़ी बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आपकी जो लाइफ में जो चेंजेस आपने बताया है कि आपको सुनने में, श्रवण क्षमता में फ़ायदा मिला, हियरिंग पावर आपकी इम्प्रूव हुई, आपको पर्सनैलिटी बेनिफिट मिला क्योंकि आपका सोशल कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो गया हियरिंग की वजह से, और आपका ऑफिस में भी लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा हो गया होगा। जी सर जी, पहले मैं थोड़ा दूर रहता था सबसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब हमारी हियरिंग पावर आती है तो हम सोसाइटी से कनेक्ट हो जाते हैं, दूसरे कमरे में हमारा साथी क्या कह रहा है तो हम उस पर भी ध्यान देते हैं, और बिकॉज हम सोशल हैं तो सबसे इंटरेक्ट करते हैं और उसका आउटकम अच्छा रहता है। बहुत बढ़िया। तो आपका 2 महीने का ये समय कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर, पहले से बेहतर। बढ़िया, लाइफ में कुछ चेंज आया? बहुत सारा।
तो आप देश के उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कान की तकलीफों, पर्दों में छेद, कान के बहने, सुनने की क्षमता में कमी इत्यादि से जूझ रहे हैं, पर वो किसी न किसी डर की वजह से कि मेरा बाहर से चीरा लगेगा, बड़ा ऑपरेशन होगा, मैं बेड रेस्ट पे चला जाऊंगा, इत्यादि बातों के डर की वजह से ऑपरेशन नहीं करवाते या नहीं करवा पा रहे हैं? तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि वो लोग यहाँ पे आए और अपना चेकअप कराएं जी, और वो पूर्णतः ठीक हो जाएं। बहुत बढ़िया अशोक, बेस्ट हेल्थ केयर में आपने इतना विश्वास रखा है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हमारी टीम को बहुत प्रेरणा मिलती है, अगर कोई ऐसे दो अच्छे शब्द कहे तो हमारे ऊर्जा स्तर और बढ़ जाते हैं। रजत जी, आपका जो एलर्जीज, कोल्ड एलर्जी खासतौर से, उसने आपको काफ़ी परेशान किया, उसके वजह से आपके कान के रिसाव भी रहा, आपके कान में डिस्चार्ज भी रहा, उसको चलते आपके मन में काफ़ी शंकाएं भी रही, आप मुझसे प्लेटफॉर्म पर भी डिस्कस करते रहे, चैट करते रहे, और अंततः अपना पर्दा सुरक्षित है तो आपके मन में अब एक शांति का भाव है, मैं देख सकता हूँ। आपके परिजन भी यहाँ पर हैं, वो भी संतुष्ट हैं, तो आप उन देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भर्ती, पुलिस भर्ती, सेना भर्ती, एसएससी, जीडी, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और अपने कान के बिंदुओं के चलते अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड महसूस करते हैं जी, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, ये कि अपनी परेशानियों को जल्दी से दूर करवाए और जी यहाँ पे पहुँचे, यहाँ बिना चीरा कांटे के होता है और मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा जी। अब आप अपने आगे की तैयारी में जुट जाएँ, अब यहाँ से आपका कैरियर शुरू होता है, अपनी फिजिकल फिटनेस और उसको लेकर आगे बढ़ें और उच्चतम आप अपनी उपलब्धियों तक पहुँचें। हमारे साथ में अशोक, बेस्ट हेल्थ करके यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू। ओके, परिजनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने बच्चों के लिए 500, 700, 1000, 1200 किलोमीटर की लंबी यात्राएं करके हमारे पास पहुँचते हैं, और यहाँ से जो भी बन बैठता है हमारे यहाँ से हम प्रयास करते हैं और अधिकतम लाभ देने का हमारा उद्देश्य रहता है। अशोक, बेस्ट हेल्थ केयर की टीम में विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।